खबर गोल्ड पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला गुजरांवाला के नवाई गांव धाड़ीवाला यूसी 46 में नई आबादी साईं मस्तान अली की। यहाँ पे हमारे साथ कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो कि नारा ग्रुप पैनल है, उसमें पहले सबसे हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अली बाजवा साहब जो कि जनरल काउंसलर हैं, और उनके जो MN है चौधरी अजहर की उमनारा साहब, और जो MPA हैं वो हैं चौधरी इकबाल गुजर साहब। उनका जो ये ग्रुप है, इन्होंने बहुत अनथक मेहनत की है। यहाँ के जो जनरल काउंसलर हैं वो इरफान बाजवा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आए आज उनसे बात करते हैं कि आने वाले वक्त में जाके जो गुजर चुका है उसमें उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है। पहली दफ़ा इस इलाके इलेक्शन लड़े और इंशाल्लाह 3 महीने के बीच असी गैस पवाई है और पूरी आबादी के गैस का जाल बिछा दिता और इंशाल्लाह घर घर मीटर लग गए और मौका चेक कर सकते हो। और इस आबादी के 6-7 महीने के बीच इंशाल्लाह 32 वाले 2 ट्रांसफार्म ये नून लीग के कोटे च मंगवाए ने और इंशाल्लाह PVC सड़क बनवाई है, इंशाल्लाह ये भी नून लीग के कोटे च बनवाई है और गलियां नालियां बनवाइया ने ये भी नून लीग के कोटे के बनवाइया ने और जी गैस पवाई है वह भी नून लीग के कोटे के पवाई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सब तो पहले इंशाल्लाह अल्लाह इजाद बाग जेना बेने आज इंसानी हकूक आ जाते हैं जिदे सब तो ज़्यादा मेहनत और शौकत मेरे वाले साहब दी, इन्होंने सब तो अगे जाना हर काम के मैंने इस वास्ते रखे था कि बेटा मैं डेरा सामना, कोई भी ऐसा काम होए आन जान वाला इनू तू सामना। उस तो अलावा अगर MPA MNA चोरी इकबाल गुजर MPA जी अजहर की उमनारा साहब साढ़े MNA ने, इंशाल्लाह उन्होंने सानू बहुत उम्मीद है साढ़े जो कोई तरक्की काम होने वाले रह गए हैं वो साढ़े करवाएंगे, जरा कोई काम सा नून लीग की तरफ ही हो रहा है इंशाल्लाह अगू भी सानू उम्मीद है कि साढ़े नून लीग ही काम करेगी, जरा भी कोई तरक्की काम रह गया था कुछ सेवरेज का रह गया साढ़ा, उस तो बाद कुछ गलियों के गैस लैन रह गई है वह इंशाल्लाह असी अज मुदसर साहब नूं कहा है चोरे इकबाल गुजर साहब नूं भी कहा है वो साडा काम करेंगे। हमारे साथ बाऊ यासीन कंबो साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं अले इलाका अले मोहल्ला के लिए ये क्या सोच रखते हैं। इंशाल्लाह असी पुराने कारकुनां नून लीग दे ते असी बाजवा साहब की जेरे सरप्रस्ती 12 साल तो इस आबादी के काम करने पे हाँ। तारीख के अंदर इस इलाके के अंदर सब तो पहले इरफान अली बाजवा साहब के कागज़ मैं खुद जाके जमा करवाए ने कि जिहड़ा इलैक्शन नहीं होया सी, उस तो बाद फिर दोबारा असी कोशिश की इलैक्शन हो गए, इरफान अली बाजवा साहब के कागज़ असी जमा कराए तो अल्लाह पाक ने सानू इज्जत बख्शी। उदों तो लैके हुण तीकर असी अलहमदुलिल्लाह पूरा इलाका साडा मौजूद है, असी आवाम की भरपूर तरीके खिदमत करने पे हाँ। सानू सवेरे 8 बजे तो लैके रात के 8 बजे तीकर साडा दफ्तर अलहमदुल्ला खुला हुंदा है, कोई भी बंदा यह गल साबित नहीं कर सकता कि असी इरफान अली बाजवा साहब के घर तस्दीक करवाण वास्ते भी आए होइए तो साडी तस्दीक ना हुई होवे। ठीक है, पीपल पार्टी की दौर दे विच मैं अपना जाती शनाख्ती कार्ड बनाया है, 8 दिन वास्ते मैं बकायदा कोल्लू वाले जाता रहा वा, मुहम्मद रमजान सेठ जनरल कौंसल से 8 दिनों के अंदर भी उन्हें मेरी तस्दीक नहीं की। मैं बाजवा साहब का सैकटरी हाँ, मैं हर जलसे ऐलान किया है कि किसी बंदे का कोई काम जिनी असी हसीयत के मालक हाँ अगर ना होए तो तुम सानू आके पुछ सकते हो। अलहमदुलिल्लाह पूरा इलाका साडा यह गल नहीं कह सकता कि असी बाजवा साहब के कोल आए हुए तो साडा काम ना होया वे, सानू इंशाल्लाह नून लीग की तरफों बड़िया आसा और उम्मीदा ने, इंशाल्लाह चंद दिनों की गल है जिहड़े हालात बने हुए ने इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात, जो ही बेहतर हालात होंगे ने जो साडे कायदीन की तरफों सानू इंशाल्लाह आर्डर होएगा असीं उहदे ते तैयार हाँ जी। अलहमदुल्ला हम अपने कायद हाजी मुदसर की उमनारा अजहर की उमनारा और चौधरी इकबाल गुजर साहब उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और अब बाद में इरफान अली बाजवा साहब जो कि एक नाम नहीं एक ब्रांड है, तरक्की का प्रोग्रेस का डेवलपमेंट्स का एक ये ब्रांड है, इनके हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि इन्होंने इस इलाके को बाद में आके इस इलाके को एक तरक्की याफ्ता प्रोग्रेसिव और बहुत आला इलाका बना दिया, और इस इलाके में इस पूरे इलाके में इनके जैसा कोई बंदा नहीं, दिन रात खिदमत कर रहे हैं लोगों की बेलौस बिला झिझक और बगैर किसी सियासी रंजश के, किसी को कोई इधर इम्तियाज़ नहीं है, सारे माशाल्लाह इधर आते हैं
आके अपनी बेखौफ प्रॉब्लम्स जो है वो इधर बयान करते हैं, और इरफान अली बाजवा साहब जो है वो उनको फिल फोर सॉल्व भी करते हैं और जिस हद तक होता है उनकी इमदाद करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं नून लीग के, जिन्होंने इस इलाके को एक बहुत आला और प्रोग्रेसिव तरक्की याफ्ता इलाका बना दिया, और ये सारे का सारा मरहून मिन्नत है इरफान अली बाजवा साहब के। इनके अलावा हमें तो कोई इधर कोई साया नहीं नज़र आता कि इस इलाके में कोई इनके अलावा किसी के पास कोई जाए पनाह हो, और हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके बाद इरफान अली बाजवा के, जिन्होंने इस इलाके के सर पे दस्ते शफकत रखा है। जी शुक्रिया। और यहाँ के मल्लेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बुजुर्गो, ये कैसा आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सब अपने हंसी खुशी रह रहे हैं इधर। बाकी काम सीवरेज का रह गया, पानी जो है काफ़ी इलाकों में बारिश हुई है, भरा पड़ा है पानी इधर जो है, वो अपना रास्ते बंद हो गए पीछे जो है, इतनी बारिश हुई है, सीवरेज का निज़ाम सही हो गया, बिल्कुल A1 इलाका हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों भरावान, अस्सलाम वालेकुम। ये जिन्हें भी कम किए ना बेहतरीन किए ने बाजवा साहब ने, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल अगू भी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली बाजवा साहब का साहबजादा हूँ। हमने मेरे पापा साहब ने अपने जेब से जो फिल्टर का पानी लगवाया है, मोहल्लेदार से बहुत खुश हैं, बच्चे भी बहुत खुश हैं, साफ़ सुथरा पानी पीते हैं। बाजवा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इन्होंने काफ़ी काम करवाया है हमारी कलोनी में। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह नून लीग अगे होएगी और पूरा इलाका साढ़े नाल होएगा, साड़ी मैच होएगा, उम्मीद है भी सानू इलाका छड़ के पिछा नहीं होएगा, और वोट ज़्यादा तो ज़्यादा होंगे और कामयाबी होएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल, क्योंकि आबादी सारी साढ़े नाल है, इलाका सारा साढ़े नाल है, और जिधर जाने आवाम के काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी जो खुदा करे इंशाअल्लाह आउंदा जरा आने वाला वक्त है उसके विच इंशाअल्लाह नून लीग कामयाब हो जाएगी। उमर शहजाद के साथ अहमद भट्टी, गोल्ड न्यूज़, गुजरांवाला।